नमस्कार, झारखंड न्यूज में आपका स्वागत है। आइए झारखंड राज्य के टॉप 10 प्रमुख खबर जानते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ किया बैठक। खबरों के अनुसार बैठक में अमित शाह ने अधिकारियों से देश भर की जानकारी मांगी। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। कुछ जरूरी सेवाओं को शुरू करने का फैसला लिया जा सकता है। इस छूट में ग्रामीण इलाकों को सम्मिलित किया गया है। झारखंड मौसम विभाग के अनुसार आज राज्य भर के कई क्षेत्रों में बादल के साथ हल्की वर्षा की संभावना है। राज्य के उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी भाग में गरज के साथ बिजली भी गिरने की संभावना है। कल रांची के लापुर में वज्रपात से 2 पशुओं की मौत हो गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को संक्रमण का खतरा। खबरों के अनुसार हिंद पीढ़ी के महिला का प्रसव रांची सदर अस्पताल में हुआ, जो संक्रमित थी। इस महिला को संक्रमित मिलने के बाद मुख्यमंत्री से लेकर सिविल सर्जन डॉक्टर तक पर संक्रमण का खतरा मंडरा रहा है। वहीं शुक्रवार को मुख्यमंत्री आहार के राशन किट वितरण समारोह में मुख्यमंत्री के साथ रांची उपायुक्त, SSP और कई पदाधिकारी भी थे, जिन पर भी संक्रमण का खतरा मंडरा रहा है। जमशेदपुर में लॉकडाउन के दौरान शराब की तस्करी। खबरों के अनुसार अनाज की आवाजाही का पास लेकर शराब की तस्करी की जा रही थी। पुलिस ने वाहन और शराब के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वही एक भागने में सफल रहा, पास बाजार समिति की ओर से निर्गत किया गया था। रांची के बुडू जंगलों में होगा संक्रमण से मरने वालों के अंतिम संस्कार। राज्य सरकार ने बुडू के जंगल को चिन्हित किया है। राज्य सरकार ने यह जानकारी झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को दिया। राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि सभी जिलों में जमीन चिन्हित किया जा रहा है। प्रवासी मजदूर अपने घर वापसी के लिए महाराष्ट्र से साइकिल चलाकर रांची पहुंचे। झारखंड के 14 मजदूर साइकिल चलाकर महाराष्ट्र से रांची आ गए हैं। उन्हें ITI बस स्टैंड के पास चेक पोस्ट पर रोका गया और मेडिकल टीम द्वारा जांच किया गया। इसके बाद खेलगांव चिन्हित आइसोलेशन सेंटर में भेज दिया गया। मजदूरों ने बताया कि महाराष्ट्र से 30 मार्च को 7 साइकिल से 14 व्यक्ति चले थे। रांची के पूर्व DDC को संक्रमण से मौत हो गई है। बरियातू में रह रहे रांची के पूर्व DDC जो 75 वर्ष के थे, गुड़गांव में संक्रमित होने की पुष्टि हुई और उनकी मौत हो गई। अब राज्य में संक्रमित से मरने वालों की संख्या 3 हो गई है। बेंगलुरु में 3 दिनों से झारखंड के 36 मजदूर बिस्कुट के सहारे दिन काट रहे हैं। खबरों के अनुसार कर्नाटक के बेंगलुरु में फंसे हुए सभी मजदूर एक स्टील कंपनी में काम कर रहे थे। लॉकडाउन के बाद कंपनी द्वारा राशन उपलब्ध कराया गया था, जो 14 अप्रैल को ख़त्म हो गया। इसके बाद कंपनी भाग गई। राशन खत्म होने के बाद सभी मजदूर पिछले 3 दिनों से बिस्कुट खाकर दिन बिता रहे हैं। सभी मजदूर सहायता के लिए अपील की है। झारखंड में 20 अप्रैल से खुलेंगे सरकारी दफ्तर। सूत्रों के मुताबिक राज्य सरकार और स्थानीय सरकारी कार्यालयों को 20 अप्रैल से खोलने का आदेश दिया है। कार्यालय खोलने के लिए अलग अलग कार्यालयों के लिए शर्त लगाए गए हैं। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने बताया कि सारे विभाग को पत्र भेजा गया है। पत्र में गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कार्यालय खोलने के संबंध में दिशा निर्देश का उल्लेख किया गया है। झारखंड में 3 नए संक्रमित की पुष्टि हुई है। अब झारखंड में कुल संक्रमितों की संख्या 32 से बढ़कर 35 हो चुका है, जिसमें मरने वालों की संख्या 2 से बढ़कर 3 हो गया है। नए मामला रांची और एक धनबाद के रेलकर्मी में पाया गया है। अब तक धनबाद में कुल 2 संक्रमित हो चुके हैं। भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 14,792, जबकि 2,015 ठीक हो चुके हैं। धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बॉल का बेल आइकन दबाइए और वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर शेयर करें। साथ ही हमें आप कमेंट में अपना राय अवश्य दें। थैंक यू।